नया साल, नया साल नहीं मानो तो कोई दुनिया का एक, ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है ना। लोग इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी मनाते हैं, रात भर जगते हैं, 12 बजे तक वेट करते हैं कब 12 बजेगा, हम एक दूसरे को विश करेंगे, किसने पहले किया, हमने पहले किया, मतलब हर किसी को विश करते हैं, नए साल की शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका साल शुभ हो। पर क्या नए साल का मतलब यही होता है कि हम बस पार्टी कर लें, इंजॉय कर लें, बस हो गया नया साल? नहीं डियर, नए साल की शुरुआत करने से पहले ना मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। डियर, जीवन बहुत ही छोटा है, जब तक आपके दांत हैं खुलकर मुस्कुरा लो, क्योंकि बुढ़ापे में तो ये दांत रहने से ना रहे, और आप मुस्कुराना भी चाहेंगे तो मुंह पे हाथ लगाकर हंसना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा, अभी दांत है, खुल के हंसो। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र वो लोग रखते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें देखने के लिए कुछ अच्छा दो, कुछ अच्छा करो, ताकि वो जो देख रहे हैं उससे वो सबक ले सके कि भाई लोगों पे नज़र रखने के अलावा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है। संघर्ष कभी कभी बहुत कठिन और बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उसके बाद मिलने वाली सफलता भी बहुत शानदार होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा भरोसा उठ जाता है मेहनत करने से, क्योंकि हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फेस की है, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस और बाकी और भी कई सारे एग्जांपल हैं जिसके बेसिस में आपको ये बता रही हूँ। तो ठोकर लगेंगी, हार भी मिलेगी, लंबा रास्ता होगा, कठिन होगा, गिरोगे चलोगे, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। नए साल का मतलब ये नहीं होता है कि रात भर जग लिए, एक दूसरे को विश कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, बस हैप्पी हो गया। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरा साल आपको खुशियों से भर देना है, मतलब अपनी ज़िंदगी में वो मोड़ लाना है, वो गोल डिसाइड करना है जो आपने 2023 में नहीं किया, जो आपके सपने हैं वो 2024 में पूरे करने की कोशिश करो, आपको बेहतरीन बनना है। ये नए साल का मतलब है ज़िंदगी की नई शुरुआत, ज़िंदगी आपको एक नया मौका देती है, 365 दिनों में आप अपनी ज़िंदगी को जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। मेरे ख्याल से तो नए साल का मतलब यही होता है कि आपने पास्ट में जो भी अपना टाइम वेस्ट किया, इट्स ओके, बट अब आप नई शुरुआत करो। आपने पास्ट में क्या गलतियाँ करी थी वो अब मैटर नहीं करती, नए साल का मतलब है कि आप यहाँ से नई शुरुआत करोगे, अपने पास्ट को भूल कर अपने प्रेजेंट पे फोकस करोगे, अपने प्रेजेंट में खुद में इतना ज़्यादा आत्मविश्वास ले आओ कि हमें भाई फ्यूचर में जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी डर होगा, उसका डट के सामना करना है, डरना नहीं है, हमें आज पे फोकस करना है और अपना भविष्य बदलना है, हम जैसा चाहते हैं हम वैसी लाइफ जिएंगे, खुद से ये वादा करो, नए साल का यही तो मतलब है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब न्यू ईयर ना सेलिब्रेट करो, बस लग जाओ काम पे, कहने का मतलब है खुद से वादा करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो अपने आप से कि यार 2023 में मैं वो नहीं कर पाया या नहीं कर पाई जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे सपने 2024 में डेफिनेटली पूरे होंगे, अगर पूरे ना हो सके तो मैं अपने सपनों के करीब तो ज़रूर पहुँच जाऊँगा। और जब भी आप मेहनत करोगे ना, गोल डिसाइड करोगे, तो अकेलेपन से कभी मत घबराना कि ये सारी चीज़ें मैं अकेले कैसे करूँगा, डरने का नहीं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करो, जिस दिन आपको सफलता मिलेगी सब कुछ बदल जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब कुछ आपने अकेले किया है, आप खुद में प्राउड फील करोगे।